बंदर एक ऐसा जानवर है जिससे हम सभी परिचित हैं। इनका व्यवहार और स्वभाव बड़ा ही शरारती, नटखट, चंचल और उछल कूद वाला होता है। आज फैक्ट्स विद सरोज में मैं बंदरों से जुड़ी उन बातों का जिक्र करूंगी जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी पर लगभग सभी जगह बंदर पाए जाते हैं। बंदरों की लगभग 270 प्रजातियां होती है। बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम मंड्रिल या मैंड्रिल स्फिंक्स है। इसकी लंबाई 3.3 फीट और वजन 35 किलो तक होता है। बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी मार्मोसेट है। यह एक हथेली के बराबर होते हैं। बंदर और मनुष्य का डीएनए करीब 98% मेल खाता है। बंदरों में इंसानों की तरह भावनाएं होती है। वे एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, नफरत भी करते हैं और एक दूसरे की सहायता भी। इंसानों की तरह बंदरों के भी फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। सभी बंदरों का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों का। बंदरों में इंसानों की तरह सीखने की क्षमता होती है। उन्हें आसानी से साइन लैंग्वेज के साथ ही गिनती करना भी सिखाया जा सकता है। जापान में बंदरों को ट्रेनिंग देकर होटलों में वेटर के रूप में रखा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के बड़े बड़े बागानों में नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को रखा जाता है। क्या आप जानते हैं बंदरों में भी इंसान की तरह टीबी की बीमारी हो सकती है। मनुष्यों में बंदरों से होने वाली बीमारियों में मंकी पॉक्स, तपेदिक, पीत ज्वर आदि प्रमुख है। इस धरती में बंदर इकलौता ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की तरह केले छीलकर खाता है। वो अलग बात है, ये केले को उल्टा करके छीलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बंदर बहुत फुर्तीले होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदर पाटस है, जो 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। सबसे अधिक कलाबाजियां करने वाला स्पाइडर बंदर होता है। इन्हें 35 फीट से भी लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है। सामान्यतः बंदर दिनचर होते हैं, लेकिन बंदर की एकमात्र प्रजाति रात्रिचर होती है। इन्हें नाइट मंकी या उल्लू बंदर कहा जाता है। बंदर सर्वाहारी होते हैं। ये फल, फूल, कंदमूल, बीज के अलावा कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। बंदर एक सामाजिक प्राणी है। इन्हें अक्सर झुंड में खाते पीते और यात्रा करते देखा जा सकता है। अपने साथी सदस्यों के साथ इनकी हरकतें बहुत मजेदार होती है। आपस में संवाद करने के लिए बंदर विभिन्न प्रकार की आवाज, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे तेज आवाज निकालने वाला बंदर हॉलर मंकी होता है। इसकी तेज आवाज जंगल में लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वहीं खुले क्षेत्रों में 5 किलोमीटर दूर तक इनकी आवाजें सुनी जा सकती है। बंदरों की ज्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर रहने वाली होती है, लेकिन बबून जैसी कई प्रजातियां जमीन पर रहने वाली भी होती है। बंदरों में पाई जाने वाली प्रजातियों में चिंपैंजी बंदरों में सबसे ज्यादा समझदार और होशियार होते हैं। वे देखने में भी बहुत हद तक मानव की तरह दिखाई देते हैं। मादा बंदर एक समय में एक बच्चे को जन्म देती है। कभी कभी जुड़वा बच्चे भी होते हैं। मादा बंदर के गर्भकाल का समय 135 दिन से 240 दिनों के बीच का होता है। जन्म के बाद शिशु बंदर की देखभाल माता बंदर 4 से 5 वर्ष तक करती है। इसके बाद बंदर को वयस्क माना जाता है। बंदर का जीवन काल प्रजाति के अनुसार 10 से 50 वर्ष तक होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर अल्बर्ट नाम का रीसस मैकाक प्रजाति का था, लेकिन अफसोस उड़ान के दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला बंदर अल्बर्ट 2 था। वह रॉकेट की उड़ान में तो बच गया था, लेकिन पैराशूट फेल हो जाने के बाद में उसकी भी मौत हो गई थी।
तो ये थी उस जानवर से जुड़ी रोचक बातें जिसकी तुलना अक्सर हम शरारती बच्चों के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, हम इन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं और धार्मिक दृष्टि से महत्व भी देते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।